अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर 12 का थ्योरम नंबर 12.3 स्टडी करेंगे। द स्टेटमेंट ऑफ दिस थ्योरम इज द राइट बाय सेक्टर ऑफ द साइड ऑफ द ट्राइंगल आर कॉन करंट। आपके पास क्या गिवन है कि एक ट्राइंगल गिवन है और उन्होंने कहा है कि आपने ये शो करना है इसके जो राइट बाय सेक्टर हैं इस ट्राइंगल के, क्या वो कॉन करंट हैं या नहीं। कॉन करंट मीन्स अगर सपोज आपके पास कोई भी एक पॉइंट गिवन है और इसमें से आप 3 लाइंस पास आउट करते हो, तीनों इसी पॉइंट से क्या होनी चाहिए, पास आउट होनी चाहिए, इनका मीटिंग पॉइंट एक सेम आना चाहिए। दिस इज नोन एज कॉन करंट। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट वी ड्रॉ अ फिगर। हमारे पास गिवन में क्या है, जस्ट एक ट्राइंगल गिवन है ए बी सी, तो आप लिखोगे गिवन में ट्राइंगल ए बी सी। नेक्स्ट टू प्रूफ आपने क्या करना है, द राइट बाय सेक्टर ऑफ द साइड। साइड में हमारे पास क्या है, एक साइड है ए बी, सेकेंड साइड बी सी एंड थर्ड साइड ए सी, थर्ड साइड ए सी आर कॉन करंट। आपने ये शो करना है कि इनके तीनों साइड्स के जो राइट बाय सेक्टर हैं वो क्या एक पॉइंट से पास आउट होंगे या नहीं। नाउ नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में हम क्या करते हैं, ड्रॉ द राइट बाय सेक्टर ऑफ ए बी। हम ए बी का राइट बाय सेक्टर, और बाय सेक्टर क्या होता है कि मिड पॉइंट से आपने इस ए बी को आपने क्या करना है, ब्रेक करना है एंड 90 डिग्री का एंगल भी फॉर्म करना चाहिए। दिस पॉइंट इज नोन हैज ओ। सेम हम क्या कर लेते हैं, बी सी का भी बाइसेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं, और बी सी के मिड पॉइंट से आपने बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। ड्रॉ कर लिया, ड्रॉ द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ ए बी एंड बी सी विच मीट ईच अदर एट पॉइंट ओ। जब आपने ए बी का एंड बी सी का बाइसेक्टर ड्रॉ किया, दोनों कहाँ पे मीट करें, एट पॉइंट ओ। नेक्स्ट ज्वाइन ओ टू ए बी एंड सी। आपने अब क्या करना है कि बी पॉइंट को भी ओ से ज्वाइन करना है, ए पॉइंट को भी ओ से ज्वाइन करना है एंड सी पॉइंट को भी ओ से ज्वाइन करना है। अब हमने प्रूफ करना है, उसके लिए हमने स्टेटमेंट एंड रीजन स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट प्रूफ, स्टेटमेंट एंड रीजन। अब हमने ये शो करना है कि ओ हमारे पास एक पॉइंट है जो तीनों साइड्स के क्या होना चाहिए, कौन करंट, इस तीनों साइड्स के बाइसेक्टर का कौन करंट पॉइंट होना चाहिए। सो हम साइड ले लेते हैं ए बी साइड, और ए बी साइड जब आप लोगे तो हमारे पास ये आप लिख सकते हो ओ ए इज कॉन्कोनेंट टू ओ बी। मीन्स आप पास ये ट्राइंगल है ए बी और हम इस ओ इसका बाइसेक्टर ले रहे हैं। तो आपने लास्ट फर्स्ट थ्योरम में पढ़ा था कि अगर वो हमारे पास सपोज हमने क्या कह रहे हैं कि बाइसेक्टर है, राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी, तो देन इसका एंडिंग पॉइंट से डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल। तो हम लिख सकते हैं ओ ए इज कॉन्कोनेंट टू ओ बी, और इसकी रीजन क्या लिखेंगे, ईच पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ सेगमेंट is equidistance from the end points। हमने ये लिखा हुआ है ईच पॉइंट ऑन द राइट बाय सेक्टर ऑफ द सेगमेंट इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द एंड पॉइंट। ए बी आपने साइड ले लिया है, ओ हमारे पास क्या है, बाय सेक्टर का पॉइंट है, तो इसके एंडिंग पॉइंट से डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इक्वल। सिमिलरली अगर हम आप सेकेंड साइड लो बी सी, और ओ हमारे पास क्या है, इसका बाय सेक्टर है ओ। सिमिलरली आप क्या लिख सकते हो, ओ बी इज कॉन्कोनेंट टू ओ सी, और सेम ये इसकी रीजन है, ईच पॉइंट ऑन द राइट बाय सेक्टर ऑफ द सेगमेंट इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द एंड पॉइंट। इसमें भी हमारे पास क्या है, ओ इज द पॉइंट ऑन द राइट बाय सेक्टर, तो इसका एंडिंग पॉइंट से डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल कॉन्कर। नेक्स्ट द
दिस इज नोन हैज इक्वेशन वन, दिस इज नोन हैज इक्वेशन टू. फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू आप लिख सकते हो ओ ए इज कॉन्करेंट टू ओ सी. रीजन क्या है कि ओ इज कॉन्करेंट टू ओ बी एंड ओ बी इज कॉन्करेंट टू ओ सी. तो आप लिख सकते हो ओ ए इज कॉन्करेंट टू ओ सी फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू. इसकी रीजन आएगी. सो इस पॉइंट से आपको क्या पता लगता है कि इससे हमें ये पता लग रहा है कि पॉइंट ओ इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ right bisector of side AC. और ओ ई हमारे पास क्या है, राइट बाय सेक्टर ऑफ ए सी. बट पॉइंट ओ इज द राइट बाय सेक्टर ऑफ साइड ऑफ ए बी एंड बी सी. ये आपने क्या कहा था कंस्ट्रक्शन में, हमने ये कहा था कि ओ क्या है हमारे पास, राइट बाय सेक्टर ऑफ ए बी एंड बी सी. बट अभी इन इक्वेशन थ्री आपने क्या प्रूफ कर लिया है कि पॉइंट ओ इज द राइट बाय सेक्टर ऑफ ए सी. तो देयर फॉर हमारे पास द राइट बाय सेक्टर ऑफ थ्री साइड्स, तीनों साइड का जो राइट बाय सेक्टर आ रहा है वो हमारे पास कौन सा पॉइंट है, पॉइंट ओ. अब क्या लिखोगे, हेंस द राइट बाय सेक्टर ऑफ थ्री साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर करंट एट पॉइंट ओ. तो तीनों साइड्स के जो राइट बाय सेक्टर हैं वो पॉइंट ओ को मीट करें.